हेलो गाइस, आज हम बहुत ही टेस्टी और यमी सा केक बनाएंगे जो कि है टूटी फूटी केक। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही इजीली बन जाता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस टूटी फूटी केक के बनाने के लिए आपको एक बाउल में आधा कप टूटी फूटी ऐड करना है। उसके बाद आपको इसमें 2 चम्मच मैदा ऐड करना है। मैदा ऐड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसकी वजह से आपकी टूटी फूटी केक में स्टिक ना हो, और उसे अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देना है। फिर आपको एक बाउल में आधा कप रूम टेम्परेचर का बटर लेना है। रूम टेम्परेचर का बटर होना बहुत ज़रूरी है। उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर हाफ कप बटर डाल के दोनों को अच्छे से मिक्स करके एक वाइट कंसिस्टेंसी का थिक बनेगा। अच्छे से विप मिक्स कीजिएगा बहुत ही हल्के हाथों से। फिर उसमें 3/4 कप दही ऐड कीजिएगा। अगर 3/4 कप मेजरमेंट नहीं समझ में आ रहा है तो 1/2 कप + 1/4 कप ऐड करेंगे तो 3/4 कप हो जाएगा वो, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। उसे अच्छे से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जिसमें 1 और आधा कप मैदा लगेगा। फिर उसके बाद आपको 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, टीस्पून और टेबलस्पून में कंफ्यूज मत कीजिएगा, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इसे अच्छे से छान लीजिएगा। छानने से क्या होता है कि जो जाड़े लम्स रहते हैं वो नहीं रहते हैं, वो निकल जाते हैं। फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बहुत ही हल्के हाथ से करना है। अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको इसमें टूटी फूटी ऐड करके वापस सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करनी है। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद आपको इसमें 1/4 कप ऑफ मिल्क ऐड करना है। मिल्क भी याद रखेगा कि रूम टेम्परेचर में ही हो। और 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट, याद रखिएगा मैंने टीस्पून बोला है तो टीस्पून ही यूज़ कीजिएगा। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जैसे आपको पॉसिबल हो वैसे आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स होने के बाद आपको प्री हीटेड ओवन में केक ट्रे लेना है। उसको पहले नीचे बटर से या ऑयल से कोट कर लेना है और उसमें अपना सारा बैटर ऐड कर लेना है। बैटर ऐड करने के बाद आपको इसको टैपिंग मेथड से टैप करना है ताकि आपके केक में एयर ना बने। फिर उसके बाद आपको ऊपर से टूटी फूटी से डेकोरेट करना है या ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करना है, ये टोटली आपकी चॉइस है। मैंने टूटी फूटी से इसे डेकोरेट किया है। और फिर उसे 160 डिग्री पे 55 मिनट्स के लिए बेक कर दीजिए। बेक होने के बाद इसे कम्प्लीटली ठंडा होने दीजिएगा। उसके बाद इसको ट्रे से बाहर निकालिएगा और उसके बाद आपका यम्मी सा टूटी फूटी केक तैयार है। इसे कट कीजिए और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। बाय ऑल।